रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। विसर्जन कर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रमौली गांव के रहने वाले करीब 40 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर नईगढ़ी के अष्टभुजा धाम स्थित देवला नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे, जिसमें पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। सभी लोग देर रात करीब 1 से 1.5 बजे के बीच जब दुर्गा विसर्जन कर लौट रहे थे, तभी नईगढ़ी मऊगंज मार्ग स्थित पथरौड़ा के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस के साथ एम्बुलेंस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। सर, यहाँ से ट्रैक्टर चला, वो लड़का था, दूसरा ड्राइवर था, वो ड्राइवर को उतार दिया, बोला कि बगल में बैठो, मैं चलाऊंगा, दारू पिए था सर। कौन? बिरेन। पहले उसको दिया था कि लेके जाओ, फिर वही मालिक चलाने लगा जिसकी गाड़ी में छिर किया हुआ। फिर हो गया सर, कुछ दूर में पलट गए, 4 चक्का पका हुआ है, हम लोग दूरी पिचका गए और यानी दब गए, मर गए। 1:30 बजे ही हमको सूचना मिल गई थी फोन पर, तो हम लोग यहाँ तैयार थे। 2 बजे के लगभग वो सब लोग आए। जी, कितने घायल थे? सर 27 टोटल हैं, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9 यहाँ एडमिट थे और 3 की मृत्यु। जो रिफर हुए उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ठीक थी, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं, इसलिए रिफर कर दिया गया। दर्द से ज़्यादा करा रहे थे, तो अपन को लगा कि उनका कुछ घटना घट। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।